से नहीं मिले हमारे चाय है ही नहीं है, एकाउ नहीं मिली ना हमारे बाप भरा नहीं जब कछु। आपने कितनी बेर फार्म भर चुके हो? हम तो दो बेर भर चुके, हमारे तो एक बेर नहीं ला उनने। किसने नहीं लिया? काजू के मैं ला तो दा तो कभी किसी जब नहीं ला तो प्रधान ना कहे हूँ जो जो दे देते थे सुबह आगे लगा देते थे बैंक में ब्याज के साथ। तो आपको पहले कभी नहीं बनी पेंशन? आप प्रधान के पास गए? दस बुरा नाच कर लेती देखो, अब तुम कहो मैं चार चार बुरा दो बुरा नहीं कर पाऊ ना, अब बयाना में को दे रहा का भी लड़का बहू कन से दे, धरती हो चुम से दे दे मैं, अब धरती नहीं है तो कन से दे दी लड़का बहू। फिर अपनो खर्च कहाँ से चलाते हो आप? चला रहे मंजूरी करके, मंजूरी को पचास सौ पचास को दो सौ रहा को डेढ़ सौ जैसे मंजूरी जिसके जैसे कर रहा है खा रहा है। अब सबने मोहल्ला भर से पूछ सकती हूँ, अब तुम अपने मोहल्ला भर से पूछ सकती है कितनी परेशानी से हो रहा है। तीन लड़का है और दो बेटियां हैं, पांच हैं, उम्र है 60 साल की, खाने खोने दे रहे बैठी हैं जी, एक रुपया को नाम ना नहीं मुगल प्यास मर रहे। इस मोहल्ला में कितने लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है? ये मोहल्ला में 10-15 आदमी हुआ को 20 अक हुआ इतने हैं, इतने आदमी को पेंशन नहीं मिल रही, कछुआ ना मिल रही। जैसे जी अभी पात्र लोग छूटे हैं उनकी कब तक बन जाएगी? चल रही है प्रक्रिया, आगे बढ़ती जा रही है। तो आपने कितने लोगों के फार्म डाले हैं अभी? 12। कब डाले थे? 10-12 दिन हो गए। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनके यहाँ गए थे तो वो आग लगा देते हैं कागजों में, जमा नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं? नहीं नहीं, वो हमारे पास जमा नहीं होते, उनको ईडीओ समाज कल्याण के पास जमा होते हैं। तो गांव पंचायत स्तर से कार्रवाई होके आवेदन पत्र कंप्लीट होके ऑनलाइन होके जब हमारे पास में आएगा इसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। ये जिसको पेंशन नहीं मिल रही है वो आज भी संबंधित गांव पंचायत से संपर्क करे, वहां जाके अपना आवेदन पत्र कंप्लीट करवाए।